नमस्कार। उत्तर प्रदेश के कोने कोने से पुलिस के जवानों की ऐसी ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसकी हर कोई तारीफ कर रहा है, क्योंकि कहीं ये पुलिस प्यासे को पानी पिला रही है, भूखे को खाना खिला रही है, तो कहीं जमीन पर बैठकर दिव्यांग की समस्या सुन रही है। लेकिन पुलिस महकमे के ही कुछ जवान ऐसे हैं जिनकी वजह से बेहतरीन होते यूपी पुलिस की साख पर बट्टा लग जाता है। ऐसे ही एक साहब हैं आगरा में तैनात ये पुलिसकर्मी, जिनका जूता बच्चे के हाथ में है और रुतबा आसमान पर। ये साहब बड़े रौब में एक बाइक पर बैठे थे, हाथ में फोन था और किसी करीबी से बातचीत चल रही थी। इधर साहब फोन पर लगे थे और उधर एक नाबालिग को अपने जूते का फीता बंधवाने के लिए लगा रखा था। लेकिन इन साहब को शायद ये पता नहीं था कि ये सोशल मीडिया का दौर है, जहां पल भर में आपकी तस्वीर वायरल हो सकती है और तस्वीर वायरल होने का मतलब है विभागीय कार्रवाई तो होनी ही है, फजीहत अलग से होगी। और हुआ भी यही। रौब झाड़ रहे इस पुलिसकर्मी की फोटो न्यूज टाइम आगरा नाम के एक ट्विटर हैंडल ने शेयर करते हुए लिखा, बहुत कुछ अच्छा करने वाली यूपी पुलिस के ऐसे इक्के दुक्के कर्मी सब चौपट करते हैं। आगरा में अपने जूते के फीते बंधवाने वाले इन साहब का रुतबा आसमान पर है। विष्णु पाठक आजाद नाम के यूजर ने भी लिखा, कल आगरा पुलिस ने एक 3 साल के मासूम बच्चे को बोरवेल के भीतर से निकालकर यूपी पुलिस की देश के सामने एक मिसाल पेश की है। आज उसी आगरा पुलिस के एक साहब ने लड़के से जूते का फीता बंधवाकर पुलिस की छवि को धूमिल कर दिया। यूपी पुलिस से आग्रह है कि इन साहब को मर्यादा सिखाने का कष्ट करें। पत्रकार जुबैर चौधरी ने लिखा, आगरा में 112 नंबर पर तैनात हेड कांस्टेबल बिजली घर चौराहे पर राजा बाबू बनकर बैठे बाइक पर कर रहे फोन पर बात, गरीब बेचारा पहना रहा साहब को जूते। फोटो हुआ सोशल मीडिया पर लगातार वायरल, जिसके बाद इस तस्वीर की वजह से रौब झाड़ रहे हेड कांस्टेबल पर जल्द ही कार्रवाई का डंडा चल गया। इसके बारे में आगरा पुलिस ने खुद ट्वीट कर बताया, इस पुलिसकर्मी को लाइन हाजिर कर दिया गया है और विभागीय कार्रवाई की जा रही है। यानी इधर सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल हुई और उधर आगरा पुलिस ने कार्रवाई कर दी, जिसकी तारीफ करते हुए नीरज कुमार त्रिपाठी नाम के एक यूजर ने लिखा, आगरा पुलिस यू आर द जिम, कीप इट अप। आगरा के इस पुलिसकर्मी की तरह ही वाराणसी में भी एक मामला सामने आया था, जहां दशाश्वमेघ थाना प्रभारी के गनर मुख्य आरक्षी सुधीर कुमार ने सड़क पर रुद्राक्ष की माला बेचने वाली महिला का हाथ अपने जूते से कुचल दिया था। पुलिस का ये जवान महिला का हाथ रौंद रहा था तो पासी खड़े लोग बेबस होकर देख रहे थे, क्योंकि ये अन्याय खुद वर्दी कर रही थी। जिस पर लोगों को अन्याय से बचाने की जिम्मेदारी है, वही इस काम में लिप्त थी, इसलिए वहां खड़े लोगों ने कोई आवाज नहीं उठाई। लेकिन पुलिस महकमे ने यह तस्वीर वायरल होने के बाद एसएसपी ने फौरन इस जवान को लाइन हाजिर कर लिया और मामले की जांच के आदेश दे दिए गए। ये दोनों तस्वीरें बताती हैं कि क्यों लोगों में वर्दी को लेकर इतना खौफ रहता है और लोग पुलिस के पास अपनी शिकायत लेकर जाने से भी डरते हैं। इन दोनों पुलिसकर्मियों की करतूत सोशल मीडिया के जरिए तो सामने आ गई, लेकिन ना जाने ऐसे कितने पुलिसकर्मी होंगे जो अपनी वर्दी का रौब गरीब मजदूर को दबाने के लिए इस्तेमाल करते होंगे। इसलिए आपसे अपील है कि आप भी अगर कहीं ऐसा अन्याय होते देखे तो सोशल मीडिया पर तस्वीर जरूर डालें और संबंधित जिले के पुलिस अफसरों को टैग करें, जिससे पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर सके। इस मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।